करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक बड़ा खुलासा किया है। सुकेश ने एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी किसी और के नाम नहीं बल्कि दिल्ली के एलजी के नाम पर है, जिसमें उसने दावा किया कि तिहाड़ में उससे आम आदमी पार्टी के नेता सत्येन जैन ने प्रोटेक्शन मनी के नाम पर 10 करोड़ रुपए वसूले। तिहाड़ में प्रोटेक्शन मनी, महाठक का महाखुलासा, आप नेता को दी प्रोटेक्शन मनी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने जो दावा किया है वो बेहद ही सनसनीखेज है। सुकेश चंद्रशेखर का दावा है कि उसने आप नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए हैं। जेल में प्रोटेक्शन मनी की बात का खुलासा होते ही जेल तिहाड़ से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में हड़कंप समझ गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आप नेता सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश का दावा, सत्येंद्र जैन ने पैसे देने के लिए मजबूर किया। 2-3 महीने के दौरान वसूली गई 10 करोड़ की रकम। पैसों की वसूली कोलकाता में की गई। सत्येंद्र जैन के करीबी चतुर्वेदी को दिया गया पैसा। अगर पटकथा पे जाए और बहुत ही संक्षेप में कहा जाए तो सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है, जिसने तिहार जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के चार दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया, बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके, एक्सटॉर्शन जिसे एक्सटॉर्शनिस्ट कहा जाता है, ये सुकेश चंद्रशेखर एक एक्सटॉर्शनिस्ट है। और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। सुकेश चंद्रशेखर का कहना है कि सत्येंद्र जैन पिछले 7 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। मुझे डीजी जेल और जेल प्रशासन का नाम लेकर धमकाया जा रहा था। मुझसे हाईकोर्ट में दायर शिकायत को वापस लेने के लिए कहा गया। मुझे परेशान किया गया और धमकी दी गई। इस खुलासे के बाद से ही हर तरफ हड़कंप सा मचा हुआ है। हर कोई यही बात समझने की कोशिश कर रहा है कि एक ठग से एक सियासी रसूख वाले नेता ने क्या वाकई रकम वसूली होगी, या फिर ये तिहाड़ में धोखाधड़ी के इल्जाम में बंद सुकेश चंद्रशेखर की कोई बड़ी और तगड़ी चाल है। तो ये सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, जोरदार मित्रता थी इनके बीच में, और ये एक चिट्ठी में सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, और उस समय मुझे आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया कि मुझे राज्यसभा देंगे, कि मुझे साउथ में एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और उनकी उन्नति होगी साउथ में। क्योंकि कुछ अरसा पहले ही सुकेश की एक चिट्ठी सामने आई थी जिसमें उसने बॉलीवुड की हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस के साथ अपने रिश्ते की बात का खुलासा करने के साथ साथ कुछ और ऐसी बातें कही थी जो तिहाड़ के बाहर हड़कंप मचाने के लिए काफी थी। इस पत्र के जरिए दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर वसूली का आरोप लगा है, और वसूली उस शख्स से जो जेल में बैठे बैठे पिछले कुछ सालों में सैकड़ों करोड़ की वसूली कर चुका है। मामला बेहद गंभीर है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भले से ही इन आरोपों को बीजेपी की साजिश बता रहे हों, लेकिन बीजेपी इस आरोप के आधार पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मामले पर घेरने लगी है। मनीष पांडे, दिल्ली आज तक।